पेंशनर पेंशनर भाई भाई लेके आएंगे भाई भाई पेंशनर पेंशनर भाई भाई लेके भाई भाई हमारी मांगे पूरी हो। सुरेश चंद्र पाटीदार जिला अध्यक्ष ईपीएस 95 प्रतापगढ़। और हम आज जो है ज्ञापन दिया है हमने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र जी यादव को। और हमारी मुख्य जो है जो ईपीएस 95 में हमारे साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है और जो ओसन हम लोगों ने जो तनख्वाह पे जो कटाई थी पेंशन हम लोगों ने जो पेंशन कटवाई है 417,541,250 रुपये हमारे पेंशन फंड में जमा हुए ईपीएफओ में। और उसके बाद हमारे को औसतन पेंशन 1,171 रुपये एवरेज पेंशन मिल रही है। और इस संबंध में हमारी जो मांग है और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र जी यादव प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है हमने। और हमारी चार जो प्रमुख मांगे हैं 7,500 प्लस डीए और पति पत्नी को पूर्ण चिकित्सा सुविधा। और एक मांग ये है कि 4/10/2016 और 4/11/2022 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आया है कि उच्च वेतन पर उच्च पेंशन दी जाए। इसमें ईपीएफओ बहानेबाजी कर रहा है नाटक कर रहा है और हमारे मतलब मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। और इसलिए हमने आज यहाँ ज्ञापन दिया है और यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो और आगे उग्र प्रदर्शन और कई जगह जो है हमने पाँच अप्रैल को कई जगह जो है हमने हमारे नेताओं को वहाँ गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में कमांडर अशोक राउत और राजावत जी और जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में भी हम यहाँ ज्ञापन दिया है और हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो और आगे हम और हड़ताल उग्र आंदोलन और हड़ताल करेंगे रास्ता रोको आंदोलन भी करेंगे। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। और ईपीएफओ के पास 6,50,000 करोड़ का फंड जमा है और उसमें वो बहानेबाजी कर रहा है कहीं अडानी को लोन दे रहा है कहीं कोई लोन दे रहा है। और हमारे जो फार्म सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय जो 4/11/2022 का जो फैसला है उसमें जो हमें सहमति पत्र जो पेंशन वाला उच्च वेतन पर उच्च पेंशन का जो भर के देना है उसमें भी इन्होंने नाटक करके और आगे जो है नाटक करके और अभी फिर ऑनलाइन भरने का एक बहाना बनाया है जिसमें 26/6 का एक जो ऑप्शन होता था कि भाई हमारे पास सूचना आना चाहिए और सूचना आने के बाद वो हम ऑप्शन फॉर्म भरा कि नहीं भरा ये सभी को अंधकार में रख करके और बहानेबाजी बनाई जा रही है। इसलिए हम ये आज यहाँ इकट्ठे होकर ज्ञापन दिया है।